ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की स्मृति में सप्त दिवसीय व्याख्यान माला दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जयप्रकाश छपरा विश्वविद्यालय बिहार के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र का विकास ज्ञान के द्वारा ही परिवर्तित संवर्धित व विकासोन्मुख होगा, जिसके लिए समाज का शिक्षित होना आवश्यक है। इसीलिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का तेवर और कलेवर क्या हो, इसके निमित्त कोठारी आयोग अस्तित्व में आया, जिसने शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोठारी आयोग की रिपोर्ट शिक्षा जगत का एक वृहद घोषणा पत्र है। महंत दिग्विजयनाथ महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जिन्होंने कभी राष्ट्र और राष्ट्रीयता से समझौता नहीं किया। भारत ऐसे महापुरुषों का राष्ट्र है। समाज के सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए महंत दिग्विजयनाथ हमेशा आगे रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र एवं यूरोपीय लोकतंत्र दोनों विपरीतार्थ है। पश्चिमी लोकतंत्र के विपरीत भारतीय लोकतंत्र वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा पर आधारित है, जहां वृहद चेतना में समता, भ्रातृत्व, न्याय एवं स्वतंत्रता का आविर्भाव होता है। भारत कल्याण एवं भद्रता का भव्य भारत है, जो निर्जीव व सजीव सबके साथ संभाव रखता है, जिसकी आत्मा लोक चेतना में अंतर्निहित है। वास्तव में दुनिया में मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतंत्र है, और लोगों की आकांक्षाओं का जो समुच्चय है वही संविधान है। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर सुरेंद्र चौहान, इंद्रेश पांडे, डॉक्टर विवेक शाही, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर रुक्मणी चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह ने कहा। लगभग 4 दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण तथा 29 अगस्त को राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित होना है, उसमें गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनका कार्यक्रम है। और जो समापन समारोह है, समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विद्यापीठ से आर्य तोमर जी, पंत विजयनाथ जी, पंत अवैद्यनाथ जी, माँ सरस्वती, महाराणा प्रताप, बाबा गंभीर नाथ जी के चित्रों पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम चलकर इस कार्यक्रम की सत्यपाल आर्य शुरुआत की जा रही है। सत्यपाल जी आ जाए। देखो कौन सीधा देख सामने जाए, इधर कहीं आते कोई जाए। हाँ,
हम लोग ऐसे करते हैं, फोन करके भी दिखा दिया, इसकी फोटो भी देख लीजिए, छोटी ना। विचारधारा को अपने राष्ट्रीय विचारधारा के ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि समाजवादी विचारधारा को राष्ट्रीयता में, अखंडता में, देश प्रेम में, भारतीय संस्कृति के उन्नयन में आपने उस विचारधारा को तिरोहित कर दिया। और आप आज जो आपका निर्माण हुआ है, आप जिस रूप में देखे जाते हैं, आप एक राष्ट्र सेवक के रूप में, भारतीय संस्कृति के प्रवाहक के रूप में आपकी पहचान बनती जा रही है। यह गोरक्षनाथ की नगरी का प्रभाव है। यहाँ जो भी आता है, चाहे जितनी भी विचारधारा लेके आए, आने के बाद उसी में समाहित होता है। इस नए अवतरण के रूप में मैं इस संवाद कक्ष में मैं अपने मुख्य अतिथि का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं प्रोफेसर हरिकेश सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा, वहाँ अध्यापक रहा, और वहीं के शिक्षा संकाय से मैं विभागाध्यक्ष और संकाय प्रमुख रह करके वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। बाद में जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का कुलपति रहा, और वहाँ से निवृत्त होकर मैं अपने गांव में रहता हूँ, किसान हूँ। लेकिन इस गोरखनाथ पीठ से, इस महाविद्यालय से, और पूज्यपाद श्री महंत अवैद्यनाथ जी से के, और वर्तमान पूज्यपाद श्री आदित्यनाथ जी के स्नेह से मैं हमेशा एक आध बार केवल अंतर पड़ा होगा, नहीं तो प्रायः पिछले सभी वर्षों में इस व्याख्यानमाला में आता रहा हूँ। वर्तमान यशस्वी प्राचार्य जी ने मुझे सूचित किया, इनका आदेश का पालन भी करना था, और मुझे स्वयं में ये अभिप्सा थी कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। पिछले सभी कार्यक्रमों में विभिन्न शीर्षकों पर बोलता रहा हूँ, आज मैं ज्ञान, लोकतंत्र और विकास शीर्षक पर बच्चों के साथ जो अध्यापक गण हैं, प्राध्यापक गण हैं, उनसे एक घंटे वार्ता करूँगा, फिर उनके कुछ प्रश्न होंगे तो वो पूछेंगे। मेरी ये साफ अवधारणा है कि देश में लोकतंत्र जिस शहादत के बल पर मिला है, उसका जो परचम फहरा है और फहर रहा है पिछले कई वर्षों से, उसमें निश्चित रूप से राष्ट्रीय चेतना जगी है, और उस राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक के रूप में दुनिया में जहाँ इजराइल जैसे राष्ट्र उससे सीखते हैं, पूज्यपाद वीर शिरोमणि और राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप जी का चित्र लगा है, उनके नाम पर ये संस्था पहले भी रही है, उसी परंपरा और उसी कुल परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में, और गोरखनाथ जी मत्स्यनाथ की परंपरा के, परंतु महाराणा प्रताप जी के परिवार से ही सीधे श्री महंत दिग्विजयनाथ जी का संबंध था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी मैं इस कार्यक्रम में आता रहा हूँ। ये सुखद एक अनुभव है कि आज जब इस महाराणा प्रताप शिक्षा जो न्यास है, उसके अध्यक्ष जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, और उनकी जगह पर जो उस कार्य को संपादित कर रहे हैं, जो मेरे जिनके परिवार से मैं आता हूं गाजीपुर से, श्री प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, तो ऐसा को ध्यान में रख करके, और लोकतंत्र भारतवर्ष में किस रूप में पहले रहा है और आज किस रूप में है, और क्या आशंकाएँ हैं और क्या आशाएँ हैं, परंतु मेरा दृढ़ मत है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र और विकास दोनों ज्ञान के ही द्वारा परिवर्धित होगा, संवर्धित होगा और प्रगति की तरफ जाएगा। इसमें यह संस्थान महाराणा प्रताप शिक्षा न्यास और उत्तर प्रदेश के यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं, और उनके संरक्षण में इस महान संस्थान के जो प्राचार्य जी हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, और अन्य प्राध्यापक गण हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी जो चीफ प्रॉक्टर हैं, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो इसके संयोजक हैं, अन्य अध्यापक गण भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आप लोगों को भी आमंत्रण है कि देखिएगा, मेरे व्याख्यान से अधिक महत्वपूर्ण है कि महाराणा प्रताप पर जो पंडित श्याम नारायण पांडे ने अपनी रचना प्रस्तुत किया, लिखा हल्दी घाटी के, उसके कुछ अंश आज हमारे बीच एक यशस्वी कवि जिनका नाम ही श्री यशवंत सिंह यश है, वो भी आज अपनी कविता के माध्यम से इन बच्चे और बच्चियों को राष्ट्र धर्म के बारे में अपनी कविता सुनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी विद्यार्थी छात्र छात्राएं यहाँ आए हैं, उन्हें आज के व्याख्यान से कहीं ना कहीं उनकी चेतना में राष्ट्रवाद, विकास, ज्ञान की अभिप्सा और लोकतंत्र की मर्यादा का संरक्षण का भाव आएगा।